क्या समय से पहले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, आशंका नीतीश कुमार ने जताई है। अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि जल्दी जल्दी काम निपटा ले, लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सुशील कुमार मोदी मौजूद है बातचीत करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? नहीं, देखिए उनका इशारा विधानसभा चुनाव की ओर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कल 8 महीना बचा है, वो पहले क्या होगा। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करा दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि 2024 के बाद उनकी सरकार रहने वाली नहीं है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ करा दिया जाए। तो इसलिए बीजेपी के भी सारे विधायकों को तैयार रहना चाहिए कि नीतीश कुमार जब बोलते हैं तो बोलते कुछ है करते कुछ है, इशारा है लोकसभा और वास्तविकता है विधानसभा। तो इसलिए लोगों को विधानसभा के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि नीतीश कुमार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करा दें। लेकिन 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है, तमाम अलग अलग राज्यों के बड़े नेता, बड़े प्लेटफॉर्म पर जो बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में, वो सभी पहुंचेंगे। और उससे पहले नीतीश कुमार का ये बयान, आपको लगता है कि तैयारियां जो है वो विपक्ष ज़्यादा बड़े स्तर पर कर रहा है? देखिए, तो इस विपक्षी एकता की बैठक पर ग्रहण तो पहले ही लग गया, अपशकुन तो पहले ही हो गया। पहले 13 तारीख की बैठक का डेट तय हुआ, और वो डेट जो तय हुआ तो खड़गे साहब और राहुल गांधी से पूछ कर तय हुआ था। उस समय क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं? फिर भी डेट तय हुआ 13 तारीख, अब 23 तारीख हुआ। अब इसमें कौन नए नेता आ रहे हैं, एक भी नाम बता दीजिए। सारे वही लोग हैं जो पहले से बीजेपी के विरोध में हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात है कि उमर अब्दुल्ला का बयान आया है 2 दिन पूर्व कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि 370 का समर्थन करने वाले लोगों को आज हमारी याद आ गई, उसमें क्या मायावती आ रही हैं, क्या KCR आ रहे हैं, KSD कुमार स्वामी आ रहे हैं? नीतीश कुमार तो गए थे निमंत्रण देने के लिए नवीन पटनायक को, कहाँ आ रहे हैं? KCR तो आए थे बिहार के दौरे पर मिलने के लिए नीतीश जी से, कहाँ वो आ रहे हैं? HD कुमार स्वामी के पिताजी देवगौड़ा साहब से मिलने गए थे ललन सिंह, कहाँ आ रहे हैं वो लोग? और क्या नीतीश कुमार 23 के पूर्व बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है, कांग्रेस बीजेपी के लोग मारे जा रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी ने तो हाईकोर्ट में रिट फाइल किया कांग्रेस के जो नेता, तो अगर पंचायत का चुनाव जो वहाँ पार्टी लाइन पर होता है, वहाँ अगर कांग्रेस और TMC मिलकर चुनाव नहीं लड़ते, श्री अरविंद केजरीवाल को अभी तक खड़गे सामने मिलने का समय नहीं दिया, 20 दिन से समय मांग रहे हैं ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। उसने अपना क्लियर किया कि वो ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे पर मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कौन सी ये एकता है? क्योंकि मांझी जी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन इतना तो तय है कि वो UPA से अलग हो गए। और जब मैं अपशकुन की बात करता हूँ, तो पहले तो 13 तारीख की डेट टल गई, और ठीक अब बैठक के 7-8 दिन पूर्व एक महत्वपूर्ण नेता गठबंधन से अलग हो जाते हैं, नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार मजबूत हो रहे हैं कि कमज़ोर हो रहे हैं? और फिर आयोजन कौन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव, जिनका लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है। तो जिसका 0 मेंबर है लोकसभा में, वो 303 सदस्य वाली बीजेपी को चुनौती दे रहा है। नीतीश कुमार जो 115 से घटते घटते 44 पर पहुँच गए, वो आयोजन कर रहे हैं। तो वो लोग आयोजन करें जो राजनीति के हाशिए पर खड़े हैं, जिनकी राजनीति में अब कोई हैसियत नहीं बची, वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता नहीं बची। और देखिए, नीतीश कुमार का हाल वही होगा जो हाल चंद्रबाबू नायडू का 2019 में हुआ था। सर, एक सवाल है, अगर मांझी पिता पुत्र दोनों बीजेपी के साथ आना चाहते तो क्या बीजेपी स्वागत करेगी? देखिए, इसका जवाब तो केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है, यह स्टेट लेवल का मुद्दा नहीं है। उन्होंने अभी तो कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की है, और अलायंसेस के बारे में राज्य पार्टी जो है राज्य स्तर पर कोई निर्णय नहीं होता है, ये जो भी निर्णय होता है केंद्र के स्तर पर होता है। तो इसलिए क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, मांझी जी क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये स्टेट पार्टी की इसमें कोई ना भूमिका होती है ना कोई भूमिका होगी। आपको लगता है कि जिस तरह बयान दिया गया कि छोटी छोटी दुकानें चलाने से बेहतर है कि मर्ज किया जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया संतोष सुमन ने, उन्होंने ABP न्यूज़ से भी कहा था कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था पार्टी में विलय का, इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये किसी पार्टी को ठेस पहुँचाने वाला बयान है, या जो इतने लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे को अलग होना पड़ा, कैसे देखते हैं?
देखिए, अगर मांझी जी की दुकान छोटी है तो जदयू की दुकान कितनी बड़ी है। 44 विधायकों की तो पार्टी है, तो उनकी तो खुद दुकान इतनी छोटी है, तो छोटी दुकान वाला और दूसरे को कह रहे हैं कि आपकी दुकान छोटी है, तो आपकी दुकान कितनी बड़ी है। और अगले चुनाव में तो 44 घट कर आप 4 भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे विधानसभा में पता नहीं है। और जो 16 MP हैं जनता दल यू के, उसमें आधे से ज़्यादा लोग तो BJP के दरवाजे पर खड़े हैं कि हमको ले लीजिए। उनको मालूम है कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तो जिन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, जो हाशिए पर हैं, वो लोग आयोजन कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बैठक बुला रहे हैं। तभी देखिए 23 आते आते और कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, लेकिन एक भी नया नाम नहीं जुड़ा है। ये वही लोग हैं जो BJP के खिलाफ में बोलते रहे। अगर आप ले आते चंद्रबाबू इनको चंद्रबाबू नायडू या YSR को या KCR को, तब तो समझ में आता कि आप कोई संख्या जोड़ रहे हैं। आप तो कोई संख्या जोड़ नहीं रहे हैं, तो उस बैठक का मतलब क्या, उस बैठक का औचित्य क्या है? और विकेट गिर सकता है JDU का? नहीं, विकेट यानी क्या होगा, देखिए राजनीति में, लेकिन कहना कि अब लोगों को पता है कि JDU का कोई भविष्य नहीं है, ना उनकी पार्टी का, पार्टी को आगे चलाने वाला है। तो ना नीतीश कुमार को कोई भविष्य है, ना जनता दल को कोई भविष्य है। तो डूबती नाव पर कोई सवारी थोड़ी करता है। सब लोग देख रहे हैं कि अब ये डूबता हुआ सूरज नहीं है, या अब ये डूबता हुआ सूरज, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो उन्होंने स्वयं कह दिया कि तेजस्वी यादव होंगे, तो उनकी पार्टी में कौन रहेगा? तो इसलिए देखिए, जनता दल यू का तो ना नीतीश कुमार का कोई भविष्य बचा, ना उनकी पार्टी का कोई भविष्य बचा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डूबता हुआ सूरज है JDU और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कोई उनके साथ नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह 23 को महा गठबंधन कह लीजिए या तमाम बड़े राज्यों के नेताओं का की जो बैठक है, उससे पहले नीतीश कुमार को ये बड़ा झटका संतोष सुमन मांझी की तरफ से लगा है। लेकिन इन सब के बीच सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी अब धीरे धीरे खात्मे की ओर है। कुछ ऐसा ही बयान अपने सहयोगी मनीष उनियाल के साथ, नीतीश, ABP News, दिल्ली।